हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिज फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे अपने इंदौर सीरीज़ में। तो गाइज, आपको मैंने कल वाले फुटेज में आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था जो हमारा होटल है जो हमारा विंडो है इतना बड़ा सा होटल रूम का, उससे आपको रात को एक ब्लैक तरह का पूरा व्यू मिल रहा था, पूरे लाइट्स दिख रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि हमें फील्ड वाली व्यू वाली रूम मिली है। तो गाइज़, ये है मेरे रूम से व्यू मॉर्निंग का, तो कुछ इस तरीके का व्यू है। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ इस होटल की काफ़ी अलग अलग चीज़ें शेयर करूँगी, और मैं इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरेंट शेयर करूँगी, और जो मेरा ब्रेकफास्ट था वो मेरे पैकेज में इंक्लूडेड था। तो मैं अभी जाऊँगी अपने ब्रेकफास्ट को खाने के लिए, और मैं जो आपको रेस्टोरेंट दिखाऊँगी ना, तो आपका दिमाग थोड़ा घूम जाएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि रेस्टोरेंट का लुक कुछ इस तरीके का है, क्योंकि पता था कि होटल जो है वो वाइट पैलेस जैसा एक फील देता है, टाइटैनिक क्रूज जैसा दिखता है, उस तरीके के थीम पे बना हुआ होटल है। बट जब मैं अच्छे से जब मैंने देखा पूरे हमारा जो रेस्टोरेंट था उसको, रात को तो मैंने देखा नहीं था कि हमने रूम में ही हमने डिनर कर लिया था, तो जब मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ आप एकदम मेस्मराइज्ड हो जाओगे, मतलब खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपने क्या देख लिया। तो यस गाइज, आई थिंक आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब पेशेंस लेवल कम हो चुका होगा और आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे देखने के लिए। तो चलिए, अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई हूँ 4th फ्लोर से, और अब मैं धीरे धीरे बढ़ूँगी आगे अपने रेस्टोरेंट की तरफ। आई थिंक मैं गलत फ्लोर पर उतर गई थी, अभी फिर मुझे बंद करके फिर से नीचे जाना है शायद। मुझे लगा कि 4th फ्लोर पे रेस्टोरेंट है, बट 1st पे नहीं है, ग्राउंड पे है। तो अभी मैं ग्राउंड पे जाऊंगी और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे रेस्टोरेंट की तरफ, और क्या क्या मैंने खाया, क्या क्या बफे में इंक्लूडेड था, वो सब दिखाऊंगी। गाइज, इसकी आर्किटेक्चर आप एक बार देखिए, एकदम वाइट पैलेस, मतलब आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि मैंने जिस प्राइस रेंज में इसे बुक किया था, मैंने काफ़ी पहले से बुकिंग कर ली थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि 4000+ टैक्सेस हमारी बुकिंग थी, तो उतने कम में ये होटल मिलना वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो गाइज़, आप लोग बहुत सारे लोग ट्रैवल लवर्स होंगे, बट सही टाइम पे सही चीज़ बुक कर रहा काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है जब आप एक ट्रैवलिंग प्लान करते हो। तो गाइज़, ये देखिए, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग आते हैं। 2 साल पहले आपको मैंने बताया था ये जगह ओपन हुआ है, एंड इंदौर के जो लोकल लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे लोकल पीपल, वो तो होटल में रहने नहीं आएंगे, या तो कभी कभार वीकेंड गेट अवे उनके लिए ये जगह है, तो वो वीकेंड पे अपने फैमिली के साथ भी आ जाते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो दिखाऊँगी कि इसका लुक एंड फील, इसलिए मैं ये वीडियो का जो स्पीड है वो उसको स्लो कर दिया है, ताकि आप एक एक चीज़ माइन्यूटली देख के समझ पाओ, और कोई हड़बड़ी नहीं है, बड़ी इत्मीनान से आप ये वीडियो देखिए, और इसकी फ्लोरिंग देखिए, इसका वुडन आर्किटेक्चर देखिए। अब धीरे धीरे मैं आपको इसकी सीलिंग दिखाऊंगी, इट्स अ वेरी हाई सीलिंग प्लेस, और जो ऊपर वाला जगह है वहाँ पे बैठने का तो कोई चेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे पुराने ज़माने की फोटोग्राफी की हुई है, काफ़ी सारी पेंटिंग्स है राजा महाराजा के टाइम पे, रोमन आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको काफ़ी पिक्स मिलेंगी, जो ठीक आपको टाइटैनिक में आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, कुछ उस तरीके का लुक एंड फील है। और ये देखिए, ये है इसका ब्रेकफास्ट का पूरा फुल यहाँ पे लगा हुआ है, अलग अलग काउंटर्स। अब मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी, सीरियल्स, ये सारी चीज़ तो आपको मिलेंगे ही, मतलब आप आराम से खा सकते हो, फ्रूट्स भी है। तो जब मैं गई थी तो वहाँ पे पाइनएप्पल था, काफ़ी सारे फ्रूट्स ख़त्म हो गए, तो वो लोग उनको रिफ़िल करने वाले थे, मैं थोड़ा लेट पहुँची थी नीचे, और भी जल्दी ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है आई थिंक 7 बजे से, तो मैंने अभी फ्रूट जूस लूँगी मैं। तो फ्रूट जूस में आपको पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस, 2 ऑप्शन है, तो मैंने ऑरेंज जूस लिया। और ये देखिए, ये है वेज सैंडविच, वेज नॉन वेज लोगों के लिए, दोनों लोगों टाइप के लोगों के लिए यहाँ पर सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। और क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रेकफास्ट जब भी आप करोगे तो अनलिमिटेड वाला अगर पैकेज ले लोगे, तो वहाँ पे अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट ऑप्शंस रहता है। तो आप देखिए, ये मैंने जूस लिया, बगल में उन्होंने पाइनएप्पल जूस या कौन सा एक जूस था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि वनीला शेक था, वो भी मुझे अभी कन्फ्यूजन है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया था वो चीज़, मुझे सुबह सुबह ऑरेंज जूस पीने का मन था तो मैंने इसलिए वही लिया। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, इस तरह का कुछ चेयर है, टेबल है, एंड मैंने पहले ये लिया, उसके बाद ब्रेड लेने के बाद देखिए, यहाँ पे पूरी सब्ज़ी वाला भी ऑप्शन है,
देन आपके पास यहाँ पे बॉइल्ड पीस है, फिर उसके बाद पोहा है, फिर गुलाब जामुन है। सुबह सुबह ये लोग गुलाब जामुन भी ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं, तो काफ़ी कुछ है। आलू पराठा था, फिर मैंने ये इडली लिया और उसके साथ देखिए कोकोनट चटनी जो होती है वो लिया। और ये देखिए कितना कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, अलग अलग टाइप का चटनी है, अनियन ग्रेटेड है, सब कुछ किया हुआ है। आप अपने हिसाब से एग्स, बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, स्क्रैम्बल्ड एग्स ले सकते हो, चीज़ एग ले सकते हो। ये देखिए सांभर भी है, बट मुझे क्योंकि सांभर पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने कोकोनट चटनी ली। तो अभी आप इसका धीरे धीरे का किचन एरिया वाला साइड चला जाता है जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो अब जैसे इसका लुक देखिए कितना लैविश, आपको लगेगा कि आप टाइटैनिक के ठीक उसी क्रूज में हो। जो इन्होंने थीम दिया है, इन्होंने पूरा जस्टिस किया है उस थीम के साथ, इतना लैविश टाइप का। मैंने काफ़ी होटल में रही हूँ, आप तो देखते रहते हो, मेरे जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में वो देखते हैं कि मैं कितने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिजॉर्ट्स और होटल्स में रहती हूँ, बट ये एक अलग ही टाइप का मुझे फीलिंग आया यहाँ पे। आलू पराठा काफ़ी, मैं अभी जस्ट टेस्ट करूँगी। और ये देखिए जूस, ऑरेंज जूस, आपको थोड़ा वीडियो में थोड़ा लाइट शेड दिख रहा होगा। तो ये सारा चीज़ लेने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खाया। और टेस्ट अगर मैं आपको देखी, यहाँ पे थोड़ी थिक चटनी होती है नारियल वाली, तो बहुत ही टेस्टी। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा चौकोज़ लिया, दूध अभी मैं इसमें पोर करूँगी। चौकोज़ वाले ऑप्शन भी हैं फॉर कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क दोनों ऑप्शन है। तो मुझे क्योंकि फ्रूट्स ख़त्म हो गया था, मुझे पपाया पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे, मैंने उनसे पूछा और क्या फ्रूट्स अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे एकदम फ्रेश फ्रेश ऑरेंजेस पील करके दिए, और वो बहुत ही अच्छे और मीठे ऑरेंजेस थे। और ये देखिए गाइस, यहाँ का लुक, यहाँ की पेंटिंग, यहाँ का पूरा आर्किटेक्चर आप देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी रॉयल पैलेस में हो और आप किसी दूसरे एरा में पहुँच गए हो। और इसकी सीलिंग लाइट्स देखिए, शैंडेलियर्स देखिए जो ऊपर में लगा हुआ है, काफ़ी सारा शैंडेलियर्स लगा हुआ है, मतलब झूमर, हिंदी में झूमर कहते हैं शैंडेलियर्स को। तो मतलब यहाँ पे LEDs भी लगी हुई है ताकि आप बैठ के कुछ अगर मैच हो रहा हो या न्यूज़ चल रहा हो तो वो वाला चीज़ का भी आप लुफ्त उठा सकते हो। ओवरऑल अगर मैं इस जगह की बात करूं तो मैं इस जगह को 10/10 देना पसंद करूंगी। अभी मतलब लुक पे एंड बिहेवियर ऑफ द स्टाफ इज़ वेरी गुड, वेरी कर्टियस, बहुत ही पोलाइट स्टाफ है और बहुत अच्छा स्टाफ है, तो मैं उसके लिए भी पूरे फुल मार्क्स ही दूंगी। और डिनर मैं आपको, अगर मैं रात को अगर होटल का डिनर ऑर्डर करके खाती हूँ तो मैं आपको वो भी बताऊँगी। पेंटिंग, नफकाशी जो उन्होंने की है, जिससे भी ये जगह बनवाया गया है गाइस, ये ऑसम है। प्लीज़ अगर इंदौर आते हो तो एटलीस्ट रहने के लिए नहीं तो खाने के लिए यहाँ पे अगर मौका मिले तो ज़रूर आ जाना। ये उज्जैन वाले हाईवे की तरफ ये होटल पड़ता है, इंदौर से मतलब बाहर जब आप जाते हो थोड़ा सा आगे निकलते हो तो उज्जैन वाला जो रास्ता है जहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर वाला जो साइड पड़ता है उस ये। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।